अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग बात कर रहे थे लेबर के प्रोसेस की और उसको हम आगे चलाते हैं, और हमने बात करनी थोड़ी सी जो फीटल हेड की प्रेजेंटेशंस होती हैं, क्योंकि फैलिक फीटस होगा तो उसकी क्या प्रेजेंटेशन है। मैंने 10 टीचर्स वाली ही पिक्चर से आपको एक्सप्लेन करना है ताकि आपके लिए भी याद करना आसान हो। ये आपके ना ओएसपी के एमसीक्यू के वाइवा के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आते हैं। अब देखेंगे फैलिक बच्चा भी जब प्रेजेंट करता है तो उसका भी डायमीटर ऐसा प्रेजेंट करेगा अगर जो कि सबसे कम है तो बच्चा डिलीवर बहुत आसानी से होगा। सबसे कम डायमीटर जो प्रेजेंट करने वाला है वो ये वाला है आपका, विच इज वेल फ्लेक्स्ड हेड। ठीक है, जो चिन जाके चेस्ट के साथ लगी हुई होती है, वेल फ्लेक्स्ड हेड होता है जिसमें वर्टेक्स इज द प्रेजेंटिंग पार्ट, ये आपका सबसे अच्छा होता है। ठीक है, इसमें कौन सा डायमीटर हम कहते हैं कि सबसे प्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, इधर से लेकर दिस इज योर ऑक्सीपिटल बोन का रीजन, और ऑक्सीपिटल बोन के लोअर बॉर्डर को हम सब ऑक्सीपिट कहते हैं, यहां से लेकर ब्रेगमा, मैंने आपको बताया था इंटीरियर फॉन्टेनेले को ब्रेगमा कहते हैं, जिसलिए इसको हम कहते हैं सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक। ये प्रेजेंटेशन सबसे फेवरेबल होती है डिलीवरी के लिए क्योंकि इसका डायमीटर भी सिर्फ 9.5 सेंटीमीटर होता है, और ये स्कल बोन्स होती है और ये आपस में ओवरलैप कर जाती है, ओवरलैप की वजह से बड़ी आसानी से बच्चा डिलीवर हो जाता है। फिर अगला, अगर बच्चे का सर कम फ्लेक्स हो, इसको हम कहते हैं डी फ्लेक्स्ड हेड। अब देखें ये फ्लेक्स्ड नहीं है ना, ये सब सीधा पड़ा हुआ है, इसमें आ जाता है आपका ऑक्सीपिटल से लेकर फ्रंटल बोन तक, आगे की बोन्स फ्रंटल होती है ना, तो फ्रंटल से ऑक्सीपिटल, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। अभी डायमीटर ज्यादा हो जाता है, ये 11.5 सेंटीमीटर, इस वजह से ये डिलीवरी हो जाती है अगर अच्छा पेल्विस है, गायनेकॉइड है और अच्छी जगह है पेल्विस में तो डिलीवर हो जाता है, लेकिन जरा मुश्किल से होता है। फिर आता है आपके पास ये वाला, ये होता है बिल्कुल ही जो आपका एक्सटेंडेड हेड, मतलब ये जाहिर है बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं और एक्सटेंशन में जा रहा है। एक्सटेंडेड हेड का आप देखें कि ऑक्सीपिट से लेकर चिन तक आ रहा है डायमीटर, इसको ऑक्सीपिटोमेंटल कहते हैं, और इसमें बहुत बड़ा डायमीटर प्रेजेंट कर रहा होता है ऑक्सीपिटोमेंटल, विच इज 13 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि पेल्विक कैविटी का भी तो हमने पढ़ा था कि आउटलेट का डायमीटर 13 है, लेकिन देखें मिड पेल्विस में से भी तो गुजर के उसने आना है ना, मिड पेल्विस तो 12 सेंटीमीटर है तो 13 तो फंस जाएगा, तो ब्राओ प्रेजेंटेशन जिसकी होती है ना इसको हम ब्राओ कहते हैं एक्सटेंडेड को। ये वाली तकरीबन ऑलमोस्ट बहुत ही मुश्किल होती है कि डिलीवर हो सके, इसको हम सी सेक्शन से ही डिलीवर कराना पड़ता है। ठीक है, एंड देन इज योर हाइपर एक्सटेंडेड पोजिशन, अब देखें तो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया, हाइपर एक्सटेंशन की वजह से फेस प्रेजेंट करने लगे, इसको हम कहते हैं ब्रेगमेटोमेंटल या सब मेंटो ब्रेगमेटिक, मेंट से लेकर ब्रेगमा तक आ रहा है और फेस प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आपने ये दोनों नाम नहीं भूलने कि ये वाला जो ब्राउ प्रेजेंटेशन है ये बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा डायमीटर इसमें होता है 13 सेंटीमीटर, और ये आपने नहीं भूला फेस प्रेजेंटेशन के हाइपर एक्सटेंडेड होता है और इसमें डायमीटर होता है छोटा 9.5 सेंटीमीटर। फिर आपसे बहुत ज्यादा इतना आसान इतना कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्राओ का सॉरी ये आपका जो वेल फ्लेक्स्ड हेड है इसका और हाइपर एक्सटेंडेड का डायमीटर तो एक जैसा है, लेकिन आप ये क्यों कहते हैं कि फेस प्रेजेंटेशन वाला बच्चा डिलीवर नहीं हो सकता वजाइनली, यह बहुत मुश्किल से होता है। द रीजन इज कि यहां पर आपकी फेस की बोन्स प्रेजेंट कर रही है और फेस की बोन्स में कोई सूचर नहीं होता, वो पक्की बनी हुई बोन्स होती है और वो जरा सा भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करती, जब वो ओवरलैप नहीं करती तो बच्चे की डिलीवरी हो जाती है मुश्किल, यहां थी स्कल की बोन्स वो ओवरलैप कर जाती है तो बच्चे की डिलीवरी थी आसान, ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं चारों के चारों। अब हम आगे चलते हैं, चलें जी आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा लेबर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी स्टेजेस के बारे में। बीच में एक बात आती है फिजियोलॉजी ऑफ लेबर की, तो फिजियोलॉजी ऑफ लेबर में बेसिकली बताते हैं आपको कि यूट्रस में कैसे कॉन्ट्रैक्शन की चेंजेस आती है, सर्विक्स की कैसे चेंजेस आती है, तो आपने इतना जरूर जहन में रखना है कि देखें जब भी हम डायग्नोसिस ऑफ लेबर की भी बात करते हैं ना, तो डायग्नोसिस ऑफ लेबर में हम हमेशा दो चीजों को मेंशन करेंगे। ठीक है, कि लेबर इज ऑलवेज डायग्नोस्ड व्हेन देयर इज स्ट्रांग पेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, पेनफुल भी होती है जाहिर है, स्ट्रांग पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होनी चाहिए अलोंग विद सर्वाइकल चेंजेस। ठीक है, ये दोनों चीजें होती हैं तो हम कहते हैं कि लेबर सही चल रहा है, लेकिन उसमें भी आपने एक बात याद रखी कि जो मेजर रोल लेबर के डेफिनेशन में प्ले कर रही होती है ना वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती है, क्योंकि अगर किसी फीमेल की, क्योंकि आप देखेंगे सर्वाइकल चेंजेस क्या होती है, आपको पता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर्वाइकल ऑस क्लोज्ड होती है, ये आपका यूट्रस है। ठीक है, सपोज करते हैं, और ये आपका जायस ऐसे करके सर्वाइकल ऑस और वजाइना है, तो ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी सर्वाइकल ऑस क्लोज रहती है, क्योंकि सर्विक्स खुल जाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं मेंटेन रह सकती। ठीक है, तो सर्वाइकल ऑस क्लोज होती है और सर्विक्स अच्छी लेंथ का होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, फर्म होता है और मतलब मेंटेन किया होता है ना इससे प्रेगनेंसी को। अब जब लेबर इंड्यूस हो रहा है तो जाहिर है सर्विक्स में चेंजेस आएंगी, ये खुलेगा, इसकी लेंथ कम होगी, डायलेट होगा, सॉफ्ट होगा, तभी आराम से बच्चा यहां से निकल के जाएगा, तो ये सारी चेंजेस जो सर्विक्स में आती है ना इसको हम कहते हैं सर्वाइकल चेंजेस। और ये इसकी जो दो मेजर टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, डायलेटेशन, ठीक है, जिसका मतलब है कि सर्विक्स पहले जो बंद था अब वो खुल जाएगा, और दूसरी लफ्ज होता है इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, इफेसमेंट का वर्ड ना बच्चे अक्सर भूल समझ नहीं उन्हें आता और वो गौर नहीं करते, वो डायलेशन और इफेसमेंट को एक ही समझते हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं। इफेसमेंट का मतलब होता है कि सर्वाइकल शॉर्टनिंग, लेंथ की शॉर्टनिंग एंड थिनिंग, ठीक है, दो चीजों का आपस में शामिल करते हैं, सर्वाइकल लेंथ शॉर्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ द सर्विक्स।
लेंथ शॉर्टनिंग, ठीक है, इतनी शॉर्ट हो जाती है कि बिल्कुल खत्म हो जाती है और यूट्रस के अंदर बस चला जाता है सर्विक्स, ठीक है। तो दो बातें है ना, एक तो सर्विक्स की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो रही है, अगर इतना लंबा था तो वो अब इतना सा हो गया, ऐसे ऐसे यूट्रस के बीच में बिल्कुल गायब हो जाएगा, और दूसरा जो पहले बंद था ऐसे करके अब वो खुल रहा है, ठीक है। तो दो डिफरेंट बात, सर्वाइकल लेंथ शॉर्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ द सर्विक्स, तो इफेसमेंट होगी। अब होता क्या है कई बार कि अभी फीमेल को कॉन्ट्रेक्शन नहीं आई होती है और इफेसमेंट ना उसकी, सपोज ये कि अभी फीमेल को कुछ भी नहीं पता और उसकी इफेसमेंट कब की शुरू हो चुकी होती है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लोली स्लोली सर्वाइकल थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा थोड़ा करके सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट हो रही होती है, वो ऐसा नहीं होती कि उसको इफेक्ट करे किसी बात को, लेकिन बहुत मतलब आप समझ लें कि एक हफ्ता पहले से उसको ये चीजें शुरू हो जाती हैं। अब हम नहीं कहते कि उस वक्त लेबर शुरू हुआ था, और उस वक्त फीमेल हमारे पास प्रेजेंट भी नहीं करती नॉर्मली, क्योंकि डेफिनेटली अभी उसको लेबर पेन्स नहीं आई होती, हो सकता है हम रेगुलर वो चेकअप पे आए और हम उसका पर वजाइनल एग्जामिनेशन करें तो हमें अंदाजा हो जाए, अदरवाइज उस वक्त लेबर नहीं स्टार्ट होता। फिर लेबर कब स्टार्ट होती है, जब फीमेल को स्ट्रांग पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन आती है, ठीक है। तो तब इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि लेबर की डेफिनेशन दोनों चीजों के साथ कंप्लीट होती है, लेकिन उसमें मेजर रोल आपकी स्ट्रॉन्ग पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन के, क्योंकि सर्वाइकल चेंजेस तो पहले से आना शुरू हो जाती है अक्सर फीमेल्स में, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद आ गया ये तो डायग्नोसिस ऑफ लेबर था, मैं वो कहती हूँ फिजियोलॉजी ऑफ लेबर में भी आपको ये वो बताते हैं कि सर्विक्स में ये चेंजेस आएंगे मेनली इफेसमेंट एंड डायलिटेशन, ठीक है। एक तो सर्विक्स आहिस्ता आहिस्ता उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाती है, बिल्कुल यूट्रस के अंदर गायब हो जाता है, डायलेट हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है, और उसकी बिल्कुल ही लेंथ ऑलमोस्ट, मतलब पहले अगर ये सारा सर्विक्स था ऐसे करके, अब वो सर्विक्स जो है वो ऐसे नहीं, पहले अगर सपोज करें कि सारा ना ऐसे करके सर्विक्स था, अब वो सर्विक्स बिल्कुल ही नहीं रहता और बस इतना ही खत्म हो जाता है और साथ बहुत डायलेट कर जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ आपके पास यूट्रस में चेंजेस आती है, जाहिर है आपको पता है कि यूट्रस पहले आपकी सारी प्रेगनेंसी उसके अंदर ही होती है और वो रिलैक्स्ड स्टेट में होता है, वो रिलैक्स क्यों होता है, प्रोजेस्टेरोन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल पूरी प्रेगनेंसी में हाई रहता है और उसका रोल ये होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिंस को इनहिबिट रखता है। आपको पता है कि दो ही चीजें जो मेजर कॉन्ट्रैक्शंस करती है पूरे यूट्रस में, एक हमारे प्रोस्टाग्लैंडिंस और एक ऑक्सीटोसिन है, और ये दोनों चीजें जब रिलीज होंगी प्रोस्टाग्लैंडिंस और ऑक्सीटोसिन तो ये कॉज करेंगे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो थी इसकी फिजियोलॉजी में वो ये कि हमारे पास बाकी सारी बॉडी में कहीं भी जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हर कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में मसल की लेंथ में फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मेरा बाजू का बाइसेप्स मसल है और मैं उसको ऐसे ऐसे करूंगी बार बार यूं और यूं, मतलब इस तरह मेरे सारे बाइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या जो भी एक्सरसाइज करूंगी, तो उसके रिजल्ट में ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक दफा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स किया तो उसके बाद मेरा मसल छोटा हो जाएगा, मतलब रिजल्टेंट जो आखिरकार मसल की लेंथ है वो तो सेम रहेगी ना, जबकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाई हुई है कि क्योंकि अब हमें इस इतने बड़े यूट्रस को साइज में भी तो छोटा करना है ना, जब प्रेगनेंसी या जब ये बच्चा निकल जाएगा तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्ट भी तो होना, तो होता ही है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आती है ना उसके रिजल्ट में जब जब कॉन्ट्रैक्शन आती है उसके साथ साथ हल्की हल्की सी मसल फाइबर्स शॉर्टन होते जाते हैं और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसी की वजह से एंड में आपका यूट्रस बड़ा आराम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है, यहाँ पर करने वाली। अच्छा, उसके बाद आपकी सर्वाइकल चेंजेस है, यूट्राइन चेंजेस है और जाहिर है हॉर्मोन्स है जो इनको साथ रोल प्ले करते हैं, दैट्स इट। हमने डायग्नोसिस लेबर का देख लिया, अब अगली बात आती है कि हमारे पास स्टेजेस ऑफ लेबर क्या होते हैं। स्टेजेस ऑफ लेबर को आपने बहुत अच्छे से करना है, मैनेजमेंट ऑफ स्टेजेस ऑफ लेबर को हम बाद में करेंगे, सिर्फ मैं आपको बताऊंगी कि इन स्टेजेस में कहानी क्या चल रही है। तो कहानी कुछ यूं होती है कि हमारे पास सबसे पहली स्टेज आती है जब अभी फीमेल को, ठीक है, सबसे पहली स्टेज देख लें कि स्टार्ट ऑफ द जब मतलब लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होता है अप टिल डायलेशन, फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स अप टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है ना तो इसका मतलब होता है कंप्लीटली डायलेट हो गया सर्विक्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है डायग्नोसिस ऑफ लेबर से लेकर, मतलब अभी फीमेल को ना शुरू में सारे एकदम से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन की आती है, हल्की हल्की सी पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन आने लग जाती है और उसको महसूस हो जाता है कि ये सब प्रोसेस कुछ ना कुछ शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जब उसे पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन हल्की हल्की से आने लग जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अब लेबर का प्रोसेस शुरू हो रहा है। उसी वक्त हम फीमेल को बिल्कुल भी एडमिट नहीं कर लेते, ये भी मैं आपको चले बाद में बताती हूँ कि हम फीमेल के साथ क्या करते हैं, अभी सिर्फ देख लें कि ये है क्या, फिर मैं आपको मैनेजमेंट से बताऊंगी या फिर आपको बताऊंगी कि हम क्या फीमेल के साथ करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है वो है जब स्टार्ट होती है लेबर, यानी हल्की हल्की सी कॉन्ट्रेक्शन आने लगती है एंड उसके साथ साथ जाहिर सर्वाइकल चेंजेस भी आना शुरू होते हैं, सर्विक्स डायलेट करने लग जाते हैं, इफेस होने लग जाते हैं, तो वो सारे के सारे सर्विक्स के चेंजेस जब तक कंप्लीट होंगे तब तक फर्स्ट स्टेज होगी। तो स्टार्ट ऑफ द लेबर अप टिल डायलेशन टिल 10 सेंटीमीटर यानी कंप्लीट डायलेशन, इसको फिर हमने दो में डिवाइड किया, इसका एक पैसिव या लेटेंट स्टेज होती है, लेटेंट कहना बेहतर है, ठीक है। पहली स्टेज लेटेंट होती है और दूसरी इसकी एक्टिव स्टेज होती है। जो लेटेंट स्टेज ऑफ सर्विक्स है ना वो होती है जब शुरू में, मतलब लेबर की जब कॉन्ट्रेक्शन शुरू होती है हल्की हल्की सी, तब से लेकर सर्विक्स जब तक 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेट होता है तब तक, मतलब इसके दो फेजेस कर लेना। ये अभी सर्विक्स है, बिल्कुल क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड सर्विक्स से 4 सेंटीमीटर डायलेशन तक, दिस इज द फर्स्ट एंड लेटेंट फेज।
फिर 4 से लेकर 10 सेंटीमीटर डायलेशन तक ये एक्टिव फेज है। ठीक है, अब इस तरह हमने क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये जो पहला वाला लेटेंट फेज होता है ना, ये बहुत स्लो होता है। मैंने आपको बताया ये कई बार ऐसा होता है कि वीक्स पहले शुरू हो जाता है फीमेल को और उसको इतना अंदाजा नहीं होता, मतलब वीक्स पहले तो नहीं लेकिन 2-3 दिन पहले शुरू हो जाता है और हल्की हल्की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं इसमें। ठीक है, और ये स्लो होता है जरा, तो इस वजह से इसको हम लेटेंट कहते हैं। तो और हमारे पास अक्सर फीमेल्स प्रेजेंट करती हैं जब उनके पास तो उनको लेबर कॉन्ट्रैक्शंस अच्छी आ रही होती है, उस वक्त अच्छी से मुराद है कि इतनी आ रही है कि दे आर फीलिंग देम, तो अक्सर उनका सर्विक्स तब तक 4 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका होता है। लेटेंट फेज में अक्सर फीमेल्स को पता नहीं चलता, इतनी माइल्ड सी कॉन्ट्रैक्शंस होती है। ठीक है, तो क्लोज सर्विक्स से 4 सेंटीमीटर डायलेशन तक लेटेंट फेज है। ये तो मैंने डायलेशन की बात कर दी, साथ सर्वाइकल इफेसमेंट कैसे होती है, तो इस पूरे फेज में ये याद रखना है आपने, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, कि इस पूरे फेज में इफेसमेंट सर्विक्स भी पूरी की पूरी हो जाती है। ठीक है, तो लेटेंट फेज कंप्राइजेस 2 मेन थिंग्स, एक तो ये कि सर्विक्स डायलेट करेगा अप टिल 4 सेंटीमीटर, दूसरा बात है कि सर्विक्स विल बी फुली इफेस्ड एट द एंड ऑफ लेटेंट फेज। मतलब ये है कि मेरा सर्विक्स जो पहले बंद था और बहुत ज्यादा थिक था, ये है, ठीक है, सर्विक्स है जो पूरा बंद भी था, इधर से रास्ता इसका, और बहुत थिक था। हुआ क्या, पहले फेज में ये 4 सेंटीमीटर यानी इतना सारा डायलेट भी कर गया, लेकिन इसकी जो इफेसमेंट होनी थी यानी जो थिनिंग होनी थी और जो शॉर्टनिंग होनी थी, शॉर्टनिंग के रिजल्ट में ये इतना सा रह गया, ये आप समझ लें कि पूरी की पूरी हो गई है ड्यूरिंग फर्स्ट फेज। ठीक है, जितनी होनी होती है ना इफेसमेंट वो सारी की सारी हो जाती है ड्यूरिंग दिस लेटेंट फेज। अब इसके बाद इफेसमेंट का कोई रोल नहीं है, वो कंप्लीट हो जाती है। अब जब फीमेल हमारे पास प्रेजेंट करती है, थोड़ी सी बेहतर कॉन्ट्रैक्शंस उसको आ रही होती है और उसके साथ साथ उसकी इफेस्ड सर्विक्स होता है 4 सेंटीमीटर डायलेटेड होता है, उसके बाद जो 4 से 10 सेंटीमीटर है वो एक्टिव फेज होता है। इसकी जो एक नॉर्मल टाइम होता है इस फेज का, ये वाला जो है, इट इज नॉर्मली 2-6 आवर्स। ठीक है, ये मैं एक्टिव फेज की हाली बात करी, 2-6 आवर्स, और इसमें जो डायलेशन होनी चाहिए उसूलन, इट शुड बी के सर्विक्स को एक हर एक घंटे में कम से कम 1 सेंटीमीटर डायलेट करना चाहिए, दिस इज नॉर्मल। मतलब ये एक नॉर्मल बात है कि 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर डायलेट करेगा। अब जाहिर है 4 से उसने 10 पे पहुंचना है, तो उसूल नहीं होगा ना कि इसको हर सेंटीमीटर अगर 1 घंटे में डायलेट हो रहा है तो 4 से 10 के बीच में 6 घंटे हैं, इसका मतलब यह है कि 6 घंटे में ये 6 सेंटीमीटर डायलेट होगा। इसीलिए मैंने कहा है कि नॉर्मल इस टाइम की इस फेज की कॉन्ट्रैक्शन 2-6 आवर्स है। कुछ फीमेल्स जो मल्टी पैरा होती है खासतौर पर उनमें जल्दी हो जाता है, जो नली पैरा है उनमें नॉर्मली इतने टाइम में होता है कि 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर डायलेट होता है। लेकिन अगर किसी में इतना लेट हो जाए कि 1 घंटा गुजर जाए और 1 सेंटीमीटर डायलेट हो, या फिर आप कह लें कि 2 घंटे गुजर जाए, 2 आवर्स गुजर जाए, तब भी लेस देन 1 सेंटीमीटर डायलेटेड हो, तो फिर ये एबनॉर्मल बात है। फिर हमने इसमें देखना होता है कि अभी सर्विक्स डायलेट नहीं होगा मजीद, तो फिर हमें मजीद चीजों को सोचना पड़ता है कि हम किस तरह से डिलीवरी कराएंगे। तो आपने ये बात याद है कि एबनॉर्मल हम कब कंसिडर करते हैं, अगर हमने एक फीमेल को 1 घंटे बाद चेक किया उसका सर्विक्स 1 सेंटीमीटर मजीद डायलेट नहीं हुआ, तो फिर हम क्या कहते हैं, मजीद 1 घंटा वेट करते हैं। हमने मजीद 1 घंटा वेट कर लिया, अभी भी उसका सर्विक्स 1 सेंटीमीटर भी डायलेट नहीं हुआ, 1 से भी कम है, तो फिर हम उसको एबनॉर्मल कंसिडर करके कुछ और बात सोचने लग जाते हैं। ठीक हो गया, तो अगर हम इसे इसकी ड्यूरेशन वगैरह ना सारी आपके एमसीक्यू में आती है, तो इसलिए आपने याद रखनी है कि ड्यूरेशन कितनी है किस फेज की। तो एक पूरी लेबर, पहले मैं आपको बताना भूल गई थी कि लेबर पूरा जो फर्स्ट 3 स्टेजेस को कंप्राइज करके होती है, तो वो आपकी जितनी नली पैरा फीमेल होती है ना उसमें तकरीबन 18 घंटे से ज्यादा होनी नहीं चाहिए, वरना बहुत ज्यादा फीमेल बेचारी एग्जॉस्ट कर जाती है। और जो मल्टी पैरा है उनमें 12 आवर्स, क्योंकि मल्टी पैरा में जिन्हें पहले भी डिलीवर किया होता है उन्हें जरा जल्दी हो जाती है। तो फर्स्ट फेज का जो लेटेंट फेज है इसका तो कोई खास टाइम नहीं है, क्योंकि इसमें फीमेल्स को पता ही नहीं चलता कि फीमेल ने बताया पहले से शुरू हुआ होता है उन्हें नहीं पता होता। लेकिन जो 4 सेंटीमीटर से 10 का टाइम है ये 2-6 आवर्स होना चाहिए आइडियली, से ज्यादा होगा तो फिर हम उसको देखेंगे कि वो डिलेड फेज में चला जाएगा। अच्छा, ये तो फर्स्ट स्टेज होगी, उसके बाद फर्स्ट स्टेज के बाद आपके पास आती है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज होती है फ्रॉम 10 सेंटीमीटर डायलेशन टिल डिलीवरी ऑफ द फीटस। ठीक है, जब तक फीटस डिलीवर होता है उसको हम फीटस की डिलीवरी तक को सेकेंड स्टेज कहते हैं। ठीक है, अब जरा सर्विक्स तो हमारा फुली डायलेट हो गया था पिछले में, अब इसमें क्या होना है, इसमें बेसिकली सारा डिलीवरी ऑफ द फीटस ही होना है। तो इसमें क्या होता है, इसको भी 2 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, एक इसका पैसिव फेज है और एक इसका एक्टिव फेज है। इसके पैसिव फेज में क्या होता है, फीमेल को स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन आने लग जाती है, स्ट्रांग इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, उसमें फीमेल खुद से कुछ नहीं कर रही होती लेकिन उसको ऐसी फील आ रही होती है कि ये सब इतनी जोर से कॉन्ट्रैक्शन आ रही है कि बच्चा आगे जा रहा है, और डेफिनेटली इट विल एंड इन डिलीवरी। लेकिन पैसिव फेज वाले जो कॉन्ट्रैक्शन है ना उनको फिर भी हम ये कहते हैं कि उसमें मदर को अर्ज फील नहीं हो रही होती कि मैं खुद भी साथ जोर लगाऊं कि वो बच्चा निकलेगा, क्योंकि अभी बच्चा थोड़ा सा पीछे होता है,
हाई इन द पेल्विस होता है, मतलब अभी बच्चा इतना आगे नहीं पहुंचा होता कि आपको कहें कि बस वो जोर लगाएगी और बाहर निकल आएगा, इसलिए उसको पैसिव स्टेज कहते हैं। कि पैसिव स्टेज में मदर कुछ नहीं कर रही होती, बस इनवॉलेंट्री स्ट्रॉन्ग फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन उसे आ रही होती है जिसमें मदर की कोई अर्ज नहीं होती। जबकि जो एक्टिव फेज है उसमें इनवॉलेंट्री स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आती है एंड मदर को खुद फील होता है कि देर इज एन अर्ज टू पुश, मेटर्नल अर्ज टू पुश होती है। ठीक है, जब मेटर्नल अर्ज टू पुश शामिल हो जाती है फिर उसको एक्टिव फेज कहते हैं, इट यूजुअली रिजल्ट्स इन डिलीवरी ऑफ द फीटस। ठीक है, अभी जो एक्टिव स्टेज है ना ये बहुत टायरिंग होती है, पैसिव भी टायरिंग होती है क्योंकि पैसिव में भी बहुत ज्यादा पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन आती है, लेकिन इसमें मदर खुद तो कोई वॉलेंट्री एक्शन नहीं दे रही होती। जबकि जो एक्टिव फेज होता है ना जिसमें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आती है कि खुद मदर को फील हो रहा होता है, क्योंकि इसमें जो एक्टिव फेज तब शुरू होती है जब बच्चे का बिल्कुल ना आउटलेट पे पहुंच चुका होता है, उसका सर आपको बिल्कुल सामने नजर आ रहा होता है तो बस उसका निकलना रह गया होता है। तो इस टाइम पे जब मदर की अर्ज होती है पुश की, वो बहुत ज्यादा जोर भी लगाती है हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ, तो वो बहुत ज्यादा उसके लिए टायरिंग होता है। इसीलिए कहते हैं कि नली पैरस में ये जो सिर्फ एक्टिव फेज है ये 2 आवर्स से ज्यादा नहीं लास्ट करना चाहिए, और मल्टी पैरस में तो 1 आवर से ज्यादा, क्योंकि मल्टी पैरस की तो इतनी बात नहीं होती, मतलब उनको पता होता है किस तरह से होने, जैसे उनमें गुजर जाते हैं 1 घंटे में भी, और नली पैरस में भी 2 आवर्स ज्यादा, क्योंकि ये शदीद किस्म का टायरिंग फेज होता है और फीमेल बहुत ज्यादा थक जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है ड्यूरिंग दिस फेज। तो ये होता है आपका ये वाला सेकंड स्टेज। ठीक है, इससे पहले जो पैसिव फेज है ये भी तकरीबन कम से कम 2 घंटे का होता होता है। ठीक है, मिनिमम 1 to 2 आवर्स इसका भी टाइम होता है, और आपका ये लाजमी टाइम गुजरना चाहिए, मतलब ये कि आप पहले कुछ टाइम पैसिव फेज को देंगे ताकि बच्चा थोड़ा नीचे आ जाए। अगर एक मदर आपके पास आई और कह रही है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, आपने भी देखा कि बच्चा भी थोड़ा सा ऊपर है, और आपने उसे कहना शुरू कर दिया जोर लगाओ जोर लगाओ, तो ऐसे जोर लगाने से बच्चा नीचे नहीं आता, उस वक्त आपने मदर को चलने फिरने का कहना होता है। ये भी चले मैं आपको बाद में फिर बताऊंगी, लेकिन बहरहाल ये पैसिव फेज बहुत जरूरी है ताकि बच्चा थोड़ा सा नीचे आ जाए और मदर थके भी ना, खुद ब खुद से नीचे आए, और फिर एक्टिव फेज शुरू होता है जब मदर खुद से पुश स्टार्ट करेगी। फिर आ जाता है जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, उसके बाद आती है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज स्टार्ट्स फ्रॉम डिलीवरी ऑफ द फीटस, मतलब फीटस के डिलीवर होने के बाद से ये शुरू होती है टिल डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, जरा प्लेसेंटा भी तो निकाल लेना। इस फेज को मैक्सिमम टाइम इज 30 मिनट्स, वैसे तो तकरीबन 2, 3 या 5 मिनट में भी प्लेसेंटा आराम से आ जाता है बाहर, लेकिन अगर नहीं आता तो यू हैव टू वेट फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स तक नहीं आएगा तो फिर आप उसको सोचेंगे कि दिस इज गोइंग एबनॉर्मल, और फिर आप उसकी कोई ना कोई मैनेजमेंट करेंगे। तो ये होती है आपकी तीनों स्टेजेस, अभी हमने देखेंगे तीनों स्टेजेस के हम मैनेज किस तरह से करते हैं, फीमेल को कब एडमिट करना है मैं आपको बताऊंगी इन मैनेजमेंट। तो अभी तक यहाँ पर ही किसी को मस्त अभी तक के नाज में। थैंक यू।